अबे इसको पकड़ बे, हिलती है ये। लेकिन ये सीढ़ी यहाँ क्या करनी है? अबे बिजली की तारें ठीक करनी है बे। अबे अंगूठी ढूंढने के नहीं की तुझे सीढ़ी लगा के? अबे एक तो हर बात तुझे समझानी पड़ती है बे, तू अभी बच्ची है बच्ची। मैं आपको बच्ची बच्ची लगती हूँ? हाँ काफी बच्ची कुछ लगती है बे। वेरी फनी। अच्छा सीढ़ी लगा के अंगूठी कैसे ढूंढोगे? अबे कसम आइंस्टाइन के धंधे की, एक तो पूरी बात समझानी पड़ती है बे। अबे देख ही तो रही हूँ। अबे देख नहीं तू सुन बे सुन। अबे अंगूठी किसने छुपाई? बिग बॉस ने। बिग मतलब बिग। अबे अगर बिग बॉस छुपाएगा तो किसी बिग जमाई छुपाएगा ना। वाओ सुरमा तुम तो बहुत जीनियस हो गए हो भाई। अबे डिपेंड करता है बे। अबे कभी जीनियस निकलता हूँ तो कभी पतली गली से निकलता हूँ मैं। सुरमा तुम बुरे काम छोड़ क्यों नहीं देते? अबे झूठे स्कैंडल से मुझे मरवाएगी क्या? अबे पहले 4 फुट का फासला है बे। बुरे काम मतलब ये गुंडागर्दी भाई गिरी वगैरह तुम्हें बहुत अच्छा है सुरमा। अबे डॉक्टर तो कह रहा था मेरे जिगर में चिकनाई है। तू कह रही मेरे अंदर अच्छाई है? अबे सूरमा को बातों में ना लगा, इसको गौर से पकड़ बे। है? छोड़ के जाई ना। डोंट वरी मैं हूँ ना। ओह माय गॉड किसी ने चिड़िया का शिकार कर लिया। ये पुलिस मुकाबला। मैं आ रही हूँ चिड़िया। अबे चिड़ी छोड़ के चले गए, मेरे को कौन बचाएगा बे? अबे अबे लेकिन मैं भी स्टार मेकर हूँ, उनसे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द उनको स्टार बना दूंगा। यस स्टार्स उनको दिन में तारे नजर आ गए हैं। तारे नजर आ गए हैं? उन्होंने कहीं पिशावर की रुएते हलाल कमेटी तो नहीं ज्वाइन कर ली? वो बेड के नीचे से चूहा निकला, मैंने उसको मारा तो मिस्टर पीके बेहोश हो गए। क्या 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 क्या? चूहा निकला, आपने मारा और बेहोश मिस्टर पीके हो गए? यस। मारा चूहे को तो बेहोश मिस्टर पीके। अच्छा, चूहे में मिस्टर पीके की जान होगी। मैंने चूहे को ना ही मिस्टर पीके को मारा, 100 रुपए गोल्डन। चूहे ने गुस्सा मिस्टर पीके पे निकाल दिया। चल के देखना चाहिए बेचारे को। ज्यादा हमदर्द किस्म का डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं मेरे भाई। बिग बॉस के काबिल तरीन अताई डॉक्टर्स ऑलरेडी मिस्टर पीके को होश में लाने कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त बहुत कम है। मिस्टर पीके के पास? जी नहीं, तुम्हारे पास। लेकिन गुलदान तो मिस्टर पीके के सर पे लगा है। इसीलिए जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पे है। लेकिन जिम्मेदार तो मैं हूँ। और रूल्स के मुताबिक अब जेम्स को मिस्टर पीके की जगह लेनी होगी। नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैरिज इज नॉट। मेरी भी मंगी बचपन में ही तय हो गई थी। मैं शार्क मैरिज ब्यूरो वाला नहीं, बिग बॉस वाला हूँ। पार्टनर सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं होता, अंगूठी ढूंढने के लिए जेम्स को मिसेस पीके का साथ देना होगा। ओके। इसलिए रूल्स को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तआमुन किसी ने नहीं किया। अपने देखने वाले तमाम फैक्ट्री मालकान से तआमुन की अपील है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हाँ तो मिसेस पीके आप मुझे बताएं कि आप कहां तक पहुंची हैं? अंगूठी का कुछ पता चला? हाँ चौला है। वाकई क्या? यही के अंगूठी घर में ही मौजूद है, बस ढूंढनी बाकी है। चले ये तो मर्दों का बेडरूम है। लेकिन यहाँ कोई मर्द मौजूद तो नहीं है ना? तुम हो तो सही। मैं कहाँ मर्द, अब ऑफ कोर्स मैं हूँ। अच्छा नक्शे के मुताबिक तो यही बेडरूम है, लेकिन इस तीर के निशान के मुताबिक हमें वहाँ जाना चाहिए। और अब यहाँ ये तो वॉशरूम है। तो मैंने कब कहा कि ड्राइंग रूम है? अंदर चल के देखते कोई हिंट मिला है। मैं जाऊँ? क्यों, तुम्हें वॉशरूम से एलर्जी है? ये मर्दों का वॉशरूम है लेकिन इस वक्त खाली है। मैं लड़की हूँ, तुम जाओ। मैं भी लड़की। अच्छा जाता हूँ, तुम बाहर ख्याल रखना। लेकिन तुम तो अंदर जा रहे हो तो मैं बाहर कैसे ख्याल रखूँ? मेरा नहीं जूबी, बाहर वालों का ख्याल रखना कि कोई अंदर आए नहीं। ओके शेरी, तुम बाथरूम जा रहे हो किसी गार में नहीं जो इतना डर डर के प्लानिंग कर रहे हो। ओके
वॉशरूम है या कबाड़ खाना? कोई हिंट मिला? कोई पर्ची? पर्ची नहीं, अलबत्ता दीवार पे कुछ जरूर लिखा हुआ था। क्या? अबे सोच क्या रहा है, अपना काम कर साई। अबे से तो ये सुरमा की हरकत लग रही है और साई से मिस्टर पीके की। तो जेम्स का काम है, ट्रस्ट मी, ऐसी हरकतें सिर्फ वही कर सकता। लेकिन इस हिंट से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि मर्द दीवारों पे लिखने से कभी बाहर नहीं आ सकता। मर्द? हाँ हाँ, मर्द, फजूल मर्द। अबे क्या हुआ, दर्द ज्यादा हो रहा है? अबे नहीं बे, मजा आ रहा है। शुक्र है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। अबे कसम है मिर्जा गालिब की, अपने तो शेर में कभी गहराई नहीं आई, तो इस जख्म में कहाँ से डेप्थ आएगी बे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि दोनों की जान बच गई। अबे अकेला मैं गिरा था सीढ़ी से, ये दूसरा कौन है? चिड़िया, उसके पाँव पे गोली लगी थी बेचारी के, गोली निकाली और दो टांके लगा दिए। अबे कौन से टांके लगा दिए तूने उस नन्ही सी जान को? कश्मीरी टांका, मुझे वही आता था। वैसे सुरमा तुमने गौर किया, तुम्हें पट्टी करते हुए मैं हूँ ना फिल्म में, सुष्मिता सेन ने शाहरुख खान को पट्टी की थी। अबे कसम साहिर लोधी की और हमायूं सईद की, तू मुझे शाहरुख बना रही है? नहीं, मैं तो खुद को सुष्मिता सेन कह रही हूँ। तुम शाहरुख खान ने हाल पता सनी देओल हो सकते हो, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट के बगैर। अबे सूरमा तेरा सितारा गर्दिश में है बे। अबे पहले पान खो गए, अब सर फट गया, आगे क्या होना यार? फिकर ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अबे तू है तो ये हो रहा है ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चल बे जल्दी करें, टाइम कम और मुकाबला सख्त है, हमें हिंट तलाश करना है। हाँ, ये पेन यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मिस्टर पीके का मौरूसी पेन है, उनके दादा की आखिरी निशानी, द लॉस्ट साइन। ये खतरनाक चीज भी को मिली है। जरूर ये वो हिंट होगी जिसे हम ढूंढ रहे थे। पढ़ो पढ़ो। हेलो जूबी। है जूबी? जूबी तो यहाँ ना ही है। ये तुम किसको हेलो बोल रहे थे? मैं नहीं बोला। आहो, आवाज तो तुम्हारे मुंह से आई थी। योर माउथ। मिसेस पीके, ये खत में लिखा है ना? तो ये वो हिंट ना ही है जिसे हम ढूंढ रहे थे, ये तो खत है, वो भी जूबी के नाम। लेकिन हो सकता है कि इस खत के अंदर कुछ पोशीदा हिंट हो, कुछ छुपा हुआ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है खत में? हेलो जूबी, समझ नहीं आता कि तुम्हें जान लिखूं या मन लिखूं। बेगम और सेंसर बोर्ड वालों का डरना होता तो जान और मन दोनों अल्फाज को मिला के कहता, वो भी जान के नून के नीचे जेर लगा के। साईं, इस खत की तहरीर तो मिस्टर पीके से मिलती है। नहीं नहीं, मिस्टर पीके इतनी घटिया कत नहीं कर सकते। मिस्टर पीके जूबी पे नजर डाली, मैं ब्लैकमेल करने का मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। क्या बोले? नहीं, वो वॉइस ओवर थी। क्या थी? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बताओ इस ख्वाब का राइटर कौन है? Who is? ये वो रिटन बाय नूरुल हुदा शाह एंड सीमा गजल। जो भी इसमें सिंधी का टॉर्च आ रहा था और मैं ऐसे ही मिस्टर पीके पे शॉक कर रही थी। शक तो ठीक था, चेहरे के ऊपर चेहरा लगा के फिरता है ये बीमार मकरवा। चेहरे पे चेहरा? किसका चेहरे पे चेहरा? मिसेस पीके, यहाँ जरूर किसी तस्वीर के पीछे कोई हिंट है, कि तस्वीर के अंदर घुमा हुआ हो, ढूंढना है हमें तस्वीर का। इसमें कोई हिंट है, कहाँ से देखना पड़ेगा। ये वही पर्ची, पर्ची, पर्ची मिल गई। मुझे तो ये ऑल जॉबरे का कोई सवाल लगता है। मुझे दिखाए ना आप, इसमें जरूर कोई हिंट है, ये लाइंस, ये कुछ इसका मतलब है। मिसेस पीके, ये एक नक्शा है, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ। समझ आ गई? फॉलो मी।